सियासी चौक में इस बार हम लेकर आए हैं कि आखिर जो नया कानून बना है उसे किस निगाह से देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है, और अधिवक्ताओं से अच्छा कौन बता सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो नया कानून है इसमें आप किस किस तरह के नई चीज़ें देख रहे हैं? इसमें कुछ नहीं है, केवल मौजूदा सरकार का फ्रस्ट्रेशन है। बाकी केवल सेक्शन चेंज कर दिए गए, एज इट इज़ है। पुराना सेक्शन और नया सेक्शन में केवल अंतर है, बाकी एज इट इज़ है। केवल एक अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया है कि मैं बदलाव ला रहा हूँ, सुधार ला रहा हूँ, बस इतना कुछ नहीं। क्या सिर्फ इतना ही है जितना कह रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसके साथ भी और कुछ भी है, तमाम चीज़ें हैं। उसमें नए तरीके की सज़ा का प्राविधान है, नए तरीके से उसको प्लीडिंग का प्राविधान है, और नए तरीके से आजकल कंप्यूटराइज युग है, तो कंप्यूटर के युग में जो है, जो कंप्यूटर के साथ सिस्टम से के साथ जो चलना है, हमको ये सब भी उस नए कानून में है। और ये सब जो है कोई अच्छा कानून है, कोई बुरा कानून नहीं है। जो न्याय की व्यवस्था की गई है, ना कि हर बात पे सजा की, है ना? जी हाँ, उसमें सजा भी है, न्याय भी है। जो जहाँ पर सजा का प्राविधान है वहाँ पर सजा तो होना ही होना है, और न्याय तो सजा के साथ ही न्याय होता है। सजा के साथ ही न्याय होता है भाई। जो विपक्ष विरोध कर रहा है वो विरोध ही कर रहा है, या मतलब चूंकि विपक्ष है इसलिए विरोध करना उसे चाहिए, या इसमें कुछ इस तरह का है? विपक्ष जो है, विपक्ष का कार्य ही विरोध करना। वर्तमान सरकार ने जो एक कार्य किया, कानून में बदलाव लाया है, ये ठीक किया, नया कानून बनाया है। IPC तो अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही, उसी की लकीर की फकीर हम लोग पीटते रहे। ये जो सुधार हो रहा है ये अच्छा है, और आज से लागू भी हुआ है, ये अच्छी बात है, और ये हमारे देश का कानून है। ये सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। डिजिटल दुनिया को लेकर के ऑडियो वीडियो इन सब को भी मान्यता दे दी गई है एविडेंस एक्ट के, उसमें तो किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा, जिस तरह से तकनीकी लगातार बढ़ रही है उस तरह से तकनीकी से जुड़े हुए अपराध भी बढ़ रहे हैं। तो समय समय पे जिस तरह से अपराध, जिस कैटेगरी के अपराध बढ़ते जाएं, सरकारों को उसी तरह की सजाओं का, उसी तरह के उनको दंड प्राविधान भी परिवर्तन करते रहना चाहिए। सरकार ने जो भी किया है बहुत अच्छा है, और जिस तरह के लोग, जिस तरह के अपराधी हैं उसको उस तरह की सज़ा का प्राविधान है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि IT एक्ट से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को अब एविडेंस में जोड़ दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा सरकार का प्रयास है। और वकीलों को थोड़े दिन के लिए असुविधा होगी, लेकिन सब उसके बाद में सब उनकी रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। नए कानून को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इस नए कानून? हम पढ़े नहीं, पता तो है ना, शुरुआत हो रही है आज से? नहीं, ध्यान नहीं दिया हमने थोड़ा। अच्छा, नए कानून को लेकर के आइए, आप इधर आइए। नए कानून को लेकर के आप क्या समझती हैं? आज से शुरू हो रहा है ना? जी जी, हम नए कानून से सहमत हैं। जी सहमत हैं। सहमत हैं जी। किस किस तरीके सहमत हैं? जल्दी जा रही है। अच्छा ठीक है, आप बताइए। हम भी सहमत हैं, मतलब जो आजकल की तकनीकी के हिसाब से सहमत हैं उस हिसाब से। ये बदलाव जरूरी भी था, है ना? जी, बहुत जरूरी था। के हिसाब से परिवर्तन भी आवश्यक है। अब जो इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, वर्तमान परिस्थितियों के परिदृश्य में जो है, हमको एक नए कानून की आवश्यकता थी। बहुत पुराने जमाने से आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन अब खत्म हो चुका है। अब ये वर्तमान लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो आज कानून में संशोधन हुआ है और नया कानून बनकर के तैयार हुआ है और लागू हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, वो तीन चार ऐसी अहम बातें कौन सी हैं जिससे लगता है कि ये कानून पहले से ज़्यादा बेहतर है? पहली बात तो एक है कि ये कानून हमारे हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ कानून है, हम किसी की पिछलग्गी नहीं किए हैं। और IPC थी, CRPC थी, वो अंग्रेजों के समय का कानून बनाया हुआ था, हम उसकी नकल कर रहे थे। ये हमारे स्वतंत्र भारत में बनाया हुआ कानून है, मतलब ये भारत की परिस्थितियों को समझने वाला कानून है। उस समय अंग्रेज का राज था और उन्हें हमें नकल उतारते रहे। उनको हमें राज, हम पे राज करना था। हाँ, वही नकल उतार रहे थे। अब इसमें यह है कि आदमी जिस हिसाब का अपराध करता है उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी। वो तो देखे, क्लियर पोजीशन करे ना, कोई स्टेटमेंट दे दे, फायदा क्या उससे?
पर क्या लग रहा है कि पहले से अच्छा है, ये जरूरत थी? क्या कह रहा हूँ मैं, देखूँ तो समझू तो पहले, कैसे बता दूँ आपको? जिस तरीके के नए कानून को, क्या वो गुलामी वाला जो कानून था वो बेहतर था या ये आज़ादी वाला कानून? देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमने अपनी सुविधा अनुसार जनरेट की, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको हम समय समय पे परिस्थितियों के अनुसार जनरेट करते रहे। उस समय की परिस्थिति क्या रही, उस समय हमारे देश के लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह उनको सजा दी जाती थी, वो कालखंड कैसा था, उस पर उस समय के लोग विचार कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जैसा हमारे देश का माहौल है, जैसा हमारे देश में कानून की आवश्यकता है, उस कानून को देखते हुए अब जिस कानून को हम लोगों के बीच में लाया गया है, जैसा कि हम सब लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया परिवर्तन देखने को न्याय विभाग में मिलेगा, और जो देश की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, उसके साथ में न्याय भी हर नागरिक का मूल। नए कानून के बारे में कितना जानते हैं सर? जो नया कानून जो लागू हुआ है, लागू होने जा रहा है आज 1 जुलाई को, इसके पहले भी जुडिशियल सिस्टम के हालात अच्छी नहीं थे। डेट पर डेट मिलती हैं, लोग आते हैं और अपनी समस्या लेकर के बैठते हैं, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, कभी वकील साहब को दिक्कत है, तो हालात काफ़ी ख़राब हैं न्यायिक व्यवस्था की। और इससे जो है न्यायिक व्यवस्था में यदि कोई परिवर्तन होने जा रहा है तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है, और जिसमें हमें विश्वास है कि जो जिनके मुकदमे पेंडिंग हैं जल्दी जल्दी उनको न्याय मिलेगा। अच्छा, बतौर आम इंसान आपको क्या क्या पता है कि इस नई व्यवस्था में क्या है? अभी तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता है, जो भी रेडियो टीवी टेलीविज़न के माध्यम से जो भी जानकारियाँ मिलें, लेकिन उम्मीद है कोई भी चीज़ आती है यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको जो स्वीकार करना चाहिए, और उम्मीद है कि अच्छा ही होगा जो भी होगा। आइए, ये नए कानून को लेकर के थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा आपको। आप लोगों को क्या प्रैक्टिस के तौर पर, एक तो आपने सारा नया कानून पढ़ लिया है नंबर एक, दूसरा क्या क्या परिवर्तन नज़र आ रहे हैं? जो परिवर्तन, जो अभी तक जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी वो अंग्रेज़ों द्वारा दी गई हुई थी, तो अभी तक जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें दंड का विधान था, उनको अपने हिसाब से रूल करना था, इसलिए वो जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी अंग्रेज़ों की। अब जो व्यवस्था आई है, ये व्यवस्था आई है कि न्याय करने के लिए, जो देश का आम जनमानस है, जो पीड़ित है, जो दोषी है, दोनों के खिलाफ दोनों को किस तरीके से न्याय मिल सकता है, उस लिए ये व्यवस्था जो आई है। और एक समय में कोई ना कोई परिवर्तन देश को अपने हित में, देश को अपने हित के लिए कुछ ना कुछ एक कड़ा फैसला लेना पड़ता। ये जो आज के समय में, आज का जो 75 साल बीत गया, ये परिवर्तन आज के 75 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। उसी टाइम ये दंड विधान जो है, उसी टाइम से इसका परिवर्तन हो जाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपडेट हो गई हैं आज के समय में। टेक्नोलॉजी उस समय पर नहीं बन पा रही थी, तो टेक्नोलॉजी का उतना उपयोग के लिए परमिशन भी नहीं हो पा रहा था। समय के साथ जरूरी था, समय के साथ बहुत अति आवश्यक। समय के साथ जो है, आइए इधर आइए, नया कानून समय के साथ लेकर के जरूरी हो चुका था? जी बिल्कुल, और वकीलों में इस चीज़ को लेके काफ़ी समय से मांग भी उठ रही थी कि नए कानून को लागू किया जाए। और एक सेकंड इनसे पूछते हैं, क्यों भाई साहब नए कानून को लेकर सर हम इसके वजह नहीं, हम जब जानते हैं तो क्या बताएं, इस वजह से पता ही नहीं अभी नहीं सर से परिवर्तन हो रहा है नए कानून की बात। मुझे भी नहीं, मुझे नहीं पता कुछ। आप क्लाइंट है ना? नहीं, हम ये खाली बनवाने आए अपना वो एफिडेविट बनवाने। हम नहीं जानते भी नए कानून के बारे में, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं पता। सुना है कि कुछ मतलब चेंजेस हुए हैं पर पता नहीं है कि। मुख्य रूप से प्रोफेशन के तौर पर देखा जाए तो नया कानून या कानून में कितनी अच्छाइयाँ हैं और इसके प्रावधान में कितने बदलाव हैं, इन सबको वकील से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम यहाँ पर आए, आम लोगों के साथ साथ वकीलों से भी बात की कि आखिर इसकी बदलने की ज़रूरत क्या थी। पहले के समय पे, अंग्रेज़ों के समय पे जो कानून था वो कहीं ना कहीं राज करने के लिए था, इस बार का जो कानून बना है, जो बदलाव हुआ है, वो न्याय के लिए है। किस तरीके से न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले।